जय हिंदू राष्ट्र। मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर सामान्यतः मैं बात नहीं करता। उसका कारण यह है कि भारत जिन समस्याओं से घिरा हुआ है उन पर बात करना मुझे अनुकूल लगता है। मैं एक सामान्य राष्ट्रवादी हूँ। राष्ट्र के प्रति जो मेरी समस्याएं हैं, राष्ट्र के प्रति जो मेरी चिंताएं हैं, उन पर मैं कुछ बात करूं, उनमें कुछ बदलाव ला सकूं, इस कोशिश करता हूं। मगर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य एकदम से बदला है, जिसके कारण कुछ बात करने की जरूरत है। हमारे एक देसी कहावत है, जेब में नहीं दाने, जेब में नहीं है दाने, अम्मा चली बुनाने। अच्छी बुरी परिस्थितियां, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां जैसी भी नहीं, मगर रूस यूएसएसआर टुकड़े हो गए उसके, और उनमें जो छोटे छोटे टुकड़े थे वर्बल एक आग्रह के बाद कि नाटो का विस्तार नहीं करेंगे, नाटो ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच बार अपने शब्दों को झुटलाया, शब्दों से मुकरे और रूस के आसपास के छोटे छोटे देशों को नाटो का हिस्सा बना लिया। मजेदार बात यह है कि यूएसएसआर के टूटने के बाद रूस ने स्वयं नाटो ज्वाइन करने की मनस्थिति अमेरिका से जाहिर की थी। नाटो कहने के लिए फलाना ढमाका है, मगर बेसिकली वो अमेरिका का एक्सपेंशन है, और अमेरिका ने विरोध किया और नाटो रशिया को ज्वाइन नहीं करने दिया। उसका कारण यह था कि रूस ताकतवर देश था, क्षमतावान देश, उसको सहन नहीं, छोटे छोटे जो उसकी उंगलियों पर नाशें लगुए भगुए टाइप के, जो कहने के लिए तो मुझ मरोड़ते रहे, मगर उनकी शक्ति उन्हें भी पता है और अमरीका भी पता है। खैर, यूक्रेन इसमें बड़ा है। यूक्रेन के साथ अपनी एक प्रॉब्लम थी, उसके आधे से अधिक लोग खुद को रूसी मानते थे, उनकी संस्कृति, रहन सहन, खान पान रूसी था, शेष आधे से कम लोग यूक्रेनी थे। उनमें एक अहमक, बल्कि कहना ये चाहिए कि जनता ही अहमक है। यूक्रेन में 2015 में एक टीवी सीरियल शुरू हुआ, उसका नाम था सर्वेंट ऑफ पीपल। वो 15 से 2019 तक चला और यूक्रेन में बड़ा चर्चित हुआ, लोग बाग उस सीरियल के दीवाने हो गए। कुछ कुछ ऐसा ही जैसे केजरीवाल ने वादे किए, जैसी ममता बानो काम करती हैं, जैसे हमारे सामाजिक न्याय के पुरोधा जेल में पड़े हैं, लालू प्रसाद यादव, जिनको कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अखिलेश यादव में समाज का गौरव दिखाई देता है, इस तरह के लोग वहां उसमें एक वोल्दिमीर ज़ेलेंस्की नाम का करेक्टर था जो रोल करता था, और उसकी इतनी ख्याति हो गई कि उसने पार्टी बनाई, इसी नाम से सर्वेंट ऑफ द पीपल नाम से पार्टी बनाई, और वो चुनाव लड़ा और उसने दावा किया। अभी पिछले दिनों खुला है ना, वो चड्ढा जिसे दामाद बना लिया है एमएलए को पंजाब में, उसने पैसे इकट्ठे किए और जो चड्ढा चोर है इस तरह की नारेबाजी होती रही। केजरीवाल ने ऐसा किया, तो जैसे केजरीवाल ने कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं ईमानदार रहूंगा, मैं फलाना करूंगा, वो उस तरह की सारी बातें उसने भी की, और वो करप्शन को दूर कर देगा और ये कर देगा वो कर देगा, और चुनाव लड़ा और 70% से ज्यादा पोल उसके पक्ष में गए। अब वो यूक्रेन का राष्ट्रपति बन गया। इसके बाद क्या हुआ, जो पीछे से कुछ चीजें चल रही हैं उस पर बात करना चाहूंगा।
1991 में जब यूक्रेन स्वतंत्र हुआ था तो न्यूक्लियर वेपन्स के सिलसिले में वो विश्व में तीसरे नंबर पर था, अमेरिका, रूस और यूक्रेन का नंबर था। क्योंकि ये यूएसएसआर के हिस्से हैं तो यूएसएसआर का जो सामान था जिसे आज रशिया कहते हैं उसी की चीजें उनके पास थी। चेर्नोबिल जहां परमाणु दुर्घटना हुई वो यूक्रेन का हिस्सा बना। उनके पास 1900 स्ट्रेटेजिक वॉरहेड्स थे, 176 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स थी, 44 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स थे। 96 आते आते यूक्रेन ने रूस को अपने सारे न्यूक्लियर वॉरहेड लौटा दिए, वो थे भी उन्हीं के। 2001 में यूक्रेन ने अपना अंतिम स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर डिलीवरी व्हीकल भी नष्ट कर दिया। ये जो इडियट प्रेसिडेंट था उसने इस तरह की बात रखी कि सेना जैसी गैर जरूरी चीज को लौटा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, शांति प्रिय हो जाए, जैसे नेहरू ने किया था जिसका परिणाम हमने 1962 में भुगता। मजेदार बात यह है, डेमोक्रेटिक कंट्री, विश्व का सबसे तेजस्वी प्रजातंत्र, उसे आज एक वामपंथी हेड कर रहा है और रूस को एक राष्ट्रवादी उसका कार्यभार संभाले हुए है। अमेरिका की महान जनता ने एक बौड़म को चुना, एक बुढ़ा सठियाया हुआ जो केवल वाचाली कर रहा है। कमजोर वामपंथी फटीचा नेतृत्व दे सकता है, कभी भी विश्व भर में वामपंथियों ने कोई कायदे का नेतृत्व नहीं दिया, सिर्फ तलवार उनके हाथ में होती थी तो वो ये कर सकते थे, अन्यथा उनके बस का कुछ नहीं। अब कोई बात जेब में नहीं है दाने, अम्मा चली भुना दे। अब यूक्रेन पर थोड़ी सी बात करता हूं। यूक्रेन मूलतः जब रशिया से अलग हो गया, यूएसएसआर से अलग हो गया, तो ये अमेरिकन खेमे में चला गया। कश्मीर के मुद्दे पर यूक्रेन ने यूनो में हमारे खिलाफ, भारत के खिलाफ वोट डाला था। यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल की में भारत की स्थायी सदस्यता की बात थी, उसमें भी यूक्रेन ने हमारे खिलाफ वोट दिया। हमने परमाणु परीक्षण के मुद्दे पर यूएनओ में यूक्रेन ने भारत के खिलाफ वोट दिया। यूक्रेन ने पाकिस्तान को वेपन्स दिए। यूक्रेन हर तरह से इस्लामी आतंकवाद को सपोर्ट करता है। हमारा कभी भी यूक्रेन ने साथ नहीं दिया। जब हमारे पर प्रतिबंध लगे तो यूएनओ में, यानी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की भाजपा की सरकार ने परमाणु परीक्षण किया तो हम पर प्रतिबंध लाए गए, तो प्रतिबंध के पक्ष में ही यूक्रेन वोट देने गया। उसके पास यूरेनियम का भंडार था, हम यूरेनियम के लिए दर दर मारे मारे फिर रहे थे, मगर हमारे पीएम तक को दुरदुरा दिया इसने, उनकी बातों को, उनको संजीदगी से नहीं लिया। इसमें एक दो चीजें और भी, रशिया ने जो टैंक्स बनाए थे, यूएसएसआर ने जो टैंक्स बनाए थे वो इनके पास थे। इन्होंने T-80 टैंक चाइना को दे दिए, रिवर्स इंजीनियरिंग, यानी उसको खोलकर उसकी सारी टेक्नोलॉजी अपने पास आ जाए, इसके लिए चीन ने T-96 और पाकिस्तान ने T-80 की कॉपी बना ली। ये एक करार होता है कभी जो हथियार किसी देश को दिए जाते हैं तो उसकी टेक्नोलॉजी दूसरे देश के पास न जाए, ये बाध्यता होती है, अनिवार्यता होती है, क्योंकि शत्रु देश उस टेक्नोलॉजी को अपने पास लेकर उस तकनीक को रोक सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, उसके पास भी वही वेपन आ जाएंगे ऐसा ना हो, मगर इसने दिए। फिर एयरक्राफ्ट कैरियर, जैसे हमारे पास विक्रांत है ऐसा यूएसएसआर ने बनाया था, वो उसके पास था, वो उसके करियर के ब्लू प्रिंट ने चाइना को दे दी, जिसके आधार पर चीन ने ये सारे काम किए। किसी तरह से भारत का पक्षधर नहीं है, हमेशा हमारे विरोध में आया। एक राष्ट्रवादी के नाते अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां किधर जाएंगी, ये ऊंट किस करवट बैठेगा,
विशुद्ध होगा या नहीं होगा, मगर यूक्रेन का अधिग्रहण आवश्यक चीज है, ये रशिया के क्षेत्र में आना चाहिए। अभी पुतिन का बहुत सुंदर स्टेटमेंट, किसी लड़की ने उनसे प्रश्न प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा है कि आप अनकंडीशनल आश्वासन दें, क्या आप देंगे, आप क्या आप अनकंडीशनल आश्वासन देंगे कि आप यूक्रेन पर हमला नहीं करेंगे, ये उससे पहले कहा है। तो उन्होंने बड़ी तफसील से इस पर बात की, उसमें बात कही कि हम अमेरिका के दरवाजे पर मिसाइल लेकर नहीं गए, उनके घर के आगे नहीं खड़े हुए, आपने आसपास के क्षेत्रों में जबकि आश्वासन दिया था कि आप नाटो का विस्तार नहीं करेंगे, आपने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच बार विस्तार किया और आसपास के देशों को नाटो में सम्मिलित कर लिया। नाटो का मतलब है कि उन पर आक्रमण होगा तो नाटो के सारे सदस्य देश उस पर अपने उसको स्वयं पर आक्रमण मानेंगे और आक्रमण का प्रत्युत्तर देंगे। कल्पना करें, वो कहते हैं कल्पना करें कि कनाडा के बॉर्डर पर मिसाइल तैनात हो जाए, मेक्सिको के बॉर्डर पर मिसाइल तैनात हो जाए, आप पर कैसी गुजरेगी? उसने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि नाटो इसका आश्वासन दे कि यूक्रेन को अपना हिस्सा नहीं बनाएंगे, मगर इस जो बाइडन ने एंडी मंडी बातें की, बेतु की बातें करता रहा, बाध्य कर दिया कि पुतिन ने रूस का झंडा यूक्रेन पर लहरा दिया। जेब में नहीं दानी, अम्मा चली भुरा दे। श्रीलाल शुक्ल जी की जो पुस्तक है राग दरबारी, उसमें बहुत सुंदर एक मुहावरा उन्होंने इस्तेमाल किया है, स्थान विशेष में नहीं है पाखाना, 700 सूरों की दावत। गूदा नहीं था तो कूदे क्यों दूसरे के बूते पर, ये तो हो नहीं था। आज यूक्रेन रूस के आधिपत्य में आ गया, और केवल यही मामला नहीं है, अमेरिका की ये बदतमीजी जो केवल हथियार लॉबी के इशारे पर की जा रही है, क्योंकि लड़ाई होगी तो हथियार बिकेंगे, वो इतनी पावरफुल है। और मजेदार बात यह कि अमेरिका को लीड बमबंदी कर रहा है और उसके कारण से रूस बाध्य होकर चीन के खेमे में जा रहा है। इसका अगला चरण वहां पर क्या होगा नहीं कह सकते, मगर ताइवान को चीन झपट लेगा। इसकी भी संभावना है कि अरुणाचल पर या उत्तराखंड में या कहीं भी ऐसे क्षेत्र में बढ़ावती भी हो सकता है, चीन इन्वेड करे, आक्रमण करे, क्योंकि ये तो तय हो गया कि अमरीका के बस का कुछ नहीं है, ये काय काय करने वाले हैं, इनके बस इनमें दम नहीं है। यहां ट्रंप होता तो स्थिति बिल्कुल भिन्न होती, अमेरिका की महान जनता को समझ में आ रहा होगा कि उन्होंने क्या किया और किस तरह के व्यक्ति को चुन लिया। अब विश्वयुद्ध और निकट आ रहा है, विश्वयुद्ध खैर चल ही रहा है, ये जो वायरस की मार सारी दुनिया झेल रही है जिसके पीछे चीन है, चीन कहता है कि तो अमेरिका है और फलाना है, उसका कारण क्योंकि अब वायरस के कारण से त्रस्त राष्ट्र विश्व को उस पर जो जमीन कब्जा करने की लड़ाई है, जो चीनियों का हमेशा का सपना है कि सारी दुनिया चीन के आधिपत्य पे आ जाए, इस मानसिकता को सपोर्ट करने के लिए रूस को उसके पाले में धकेल दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति बहुत भयानक है इस समय, यूक्रेन के राजदूत ने बड़ी कातर स्वर में कहा कि भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, बहुत शक्तिशाली वैश्विक नेता हैं, उनको हस्तक्षेप करना चाहिए। प्यारे भाई, जब हम यूरेनियम के लिए भटक रहे थे, आपको हमारा दर्द नहीं समझ में आया था, कश्मीर के मुद्दे पर हमारे खिलाफ वोट करते समय आपको नहीं अंदाजा लगा था कि हम पर क्या गुजर रही होगी? आप परमाणु
वेपन रख सकते हैं, हम एक विस्फोट करते हैं शांतिपूर्ण कार्यों के लिए तो हम पर इंटरनेशनल पाबंदियां लगेंगी, उसमें सबसे आगे आप पेश होंगे, हमारे खिलाफ वोट डालेंगे, आप पाकिस्तान को हथियार देते हैं और फिर हमसे उम्मीद करते हैं कि हम आपके साथ हैं, आपके पक्ष में बोले हमारे प्रधानमंत्री, आप अलकायदा को हथियार देंगे और उसके बाद उम्मीद करें कि वो हमारे खिलाफ हथियार इस्तेमाल होंगे। जाहिर है कि वो कश्मीर में भी आएंगे, कश्मीर की परिस्थिति आपको अंदाजा है क्या है, कश्मीर हमने हस्तगत नहीं किया है, हमारा हिस्सा कश्मीर का बट काफी बड़ा हिस्सा पाकिस्तान ने हस्तगत किया, पीओके जिसे कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान के द्वारा कब्जा किया गया कश्मीर, हमें उसे वापस लेने का अधिकार है, पूरा अधिकार है। आपकी जानकारी में होगा कि वहां की सीटें संसद में हैं, खाली रखी जाती हैं, कश्मीर असेंबली में भी वहां की सीटें हैं जो खाली रहती हैं। सुख में आप किसी का साथ नहीं देते तो दुख में आपके साथ कोई नहीं आता। इसका अगला चरण यह है कि दुख में आप किसी के साथ नहीं आते तो आपके दुख में कोई क्यों आएगा। ऐसे मूर्खतापूर्ण काम आपने किए, एक घंटा आपकी इस वायुसेना उसके कारण से क्या हुआ, अब लोगों को समझ में आ रहा नहीं, झूठे वादे करने वाले ज़ेलेंस्की सज्जन अब वो सामान्य जनता को हथियार देने की बातें कर रहे हैं, कीव से 1,00,000 से अधिक नागरिक भाग गए हैं, ये तो होना ही था, सावधानी बरतनी चाहिए, जब दम नहीं हो तो फिर ऐसी चुनौतियां, और किसके बूते, दूसरों के बूते, आपकी अपनी लड़ाई आप लड़ सकेंगे। रूस के प्रधानमंत्री पुतिन जी को, जिनके मैंने बहुत सुंदर अभी कि वो योगी जी के वेश में उनको चंदन लगाए हुए दिखाया जा रहा है कि मजेदार आनंद ले रहे हैं लोग, वैश्विक तीसरे विश्व युद्ध की आठ है और होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, आज होगा कब होगा निश्चित होगा, क्योंकि चीन तो करेगा, स्थिति यह रहेगी कि चीन और इस्लामी राष्ट्र दोनों के मन में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना आधिपत्य जमाने की सपने हैं, चीन भी चाहता है, तो मिलकर सारे विश्व को इन्वेड करेंगे। इस लड़ाई में भारत, अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया साथ होंगे, इस लड़ाई में रूस चीन के पाले में न धकेला जाए, ये बहुत आवश्यक है, अन्यथा लड़ाई बहुत कठिन हो जाएगी। इस रूस की चिंताओं का ध्यान किया जाए, उसके कंसर्न्स, उसकी आवश्यकताएं, उसकी शंकाएं, उसकी आशंकाओं का उचित समाधान हो, ये बहुत आवश्यक है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन को इस विजय पर एक दूसरे राष्ट्रवादी की ओर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंदू राष्ट्र।